So welcome to the fourth lecture of Highway Engineering. In this lecture, we will be continuing super elevation. We will also solve some questions of gate, and we will talk about the topics that radius given to a horizontal curve plus the mechanical widening given to a horizontal curve. So coming back to super elevation, अब हम super elevation provide कैसे करते हैं field में. इस topic का नाम है attainment of super elevation. सुपर एलिवेशन अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन इन द फील्ड. ठीक है, अब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं. द फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ क्राउन. क्राउन वो पॉइंट होता है जो सबसे उठा हुआ पॉइंट होता है बीच में एक रोड के. जब हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं तो ये पॉइंट होता है, इसको कहते हैं क्राउन. The second is rotation of pavement. Elimination of crown से start करते हैं. Elimination of crown, ठीक है, ये method one में ले लेता हूं. Method one, ये है method two. ठीक है, ये है एलिमिनेशन ऑफ क्राउन, ये है रोटेशन अबाउट पेवमेंट. ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ क्राउन में फर्दर दो मेथड होते हैं. द फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग ऑफ क्राउन एंड सेकंड वन इज रोटेशन अबाउट द क्राउन. फर्स्ट वन ए पार्ट जो है इसका शिफ्टिंग ऑफ क्राउन और इसको कहते हैं हम डायगनल क्राउन मेथड. इस मेथड में क्या होता है कि जब भी हम एक स्ट्रेट रोड से कर्व हॉरिजॉन्टल कर्व की तरफ मूव करते हैं तब क्या होता है. सबसे पहले देख लेते हैं इस मेथड में होता क्या. ये हमारा क्राउन है. शिफ्टिंग ऑफ क्राउन बेसिकली कहता क्या है कि हम इसमें क्राउन शिफ्ट कर रहे हैं अपना. हमारा जो क्राउन है वो शिफ्ट होगा. पहले हमारा क्राउन यहाँ था, अब उसकी शिफ्टिंग हो गई यहाँ पे. ठीक है, तो जो न्यू रोड बनेगी वैसी बनेगी, अब उसकी शिफ्टिंग हो गई यहाँ पे. न्यू रोड ऐसे बनेगी, अब शिफ्टिंग हो गई फाइनली यहाँ पे. न्यू रोड होगी वो ऐसे बनेगी. ठीक है, ये क्या है, एक डायगनल पाथ जो है वो फॉलो करता है. इसको कहते हैं डायगनल क्राउन मेथड और शिफ्टिंग ऑफ क्राउन. ठीक है, अब इसके क्या ड्रॉबैक है या क्या प्लस पॉइंट है. देखो, ड्रॉबैक इसका सबसे पहले ये है कि अगर हम इस साइड मूव करते हैं तो हमें नेगेटिव सुपर एलिवेशन देना होता है. नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या है, ये जो पार पोर्शन है इसको कहेंगे हम नेगेटिव सुपर एलिवेशन. इस पोर्शन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं, हमारी जो कार है वो इस साइड मूव कर रही है, तो हमको इस पोर्शन की तो जरूरत है ही नहीं. हमको ये नेगेटिव सुपर एलिवेशन की क्या जरूरत है, हमको तो सुपर एलिवेशन ये चाहिए ना. ठीक है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव सुपर एलिवेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो इस मेथड को बेसिकली अडॉप्ट किया नहीं जाता. और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है एलिमिनेशन ऑफ क्राउन. पहला मेथड तो हो गया शिफ्टिंग ऑफ क्राउन, इसको कहते हैं डायगनल क्राउन मेथड. और ये क्या होता है, इसके क्राउन की शिफ्टिंग होती है. ठीक है, और हमने बता दिया ये क्यों, इसको जनरली अडॉप्ट नहीं करते. जो बी है वो है रोटेशन अबाउट क्राउन. रोटेशन अबाउट क्राउन क्या कहता है, इसको अगर हम फिगर में देखें तो ये हमारी रोड है, ये इसका क्राउन है. क्राउन के अबाउट रोटेट कराना, मतलब पहले हमारी रोड ऐसी थी, फिर हमारी रोड ऐसे हुई, फिर हमारी रोड ऐसे हुई, फिर हमारी रोड हॉरिजॉन्टल हो गई एकदम से, फिर हमारे को सुपर एलिवेशन प्रॉपर प्रोवाइड हो गया. ठीक है, तो ये होता है सुपर एलिवेशन, रोटेशन अबाउट द क्राउन इन एलिमिनेशन ऑफ क्राउन मेथड. ठीक है ना. अच्छा, इस मेथड के क्या ड्रॉबैक है, इस मेथड का ये ड्रॉबैक है, जब हमारी ये वाली हाफ रोड फ्लैट हो जाएगी, जब हमारी रोड हाफ रोड फ्लैट हो जाएगी तब यहाँ पे पानी इकट्ठा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाती है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा हिली एरिया होते हैं वहां पे हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते. और मैं आपको बता दूं ये प्रोवाइड करते कैसे हैं, कि अगर हमारा कोई भी कर्व है, सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रेट रोड होती है. यहाँ मान लीजिए इससे पहले स्ट्रेट रोड थी, इसके बाद यहां से लेके यहां तक ट्रांजिशन कर्व, और उसके बाद ये आगे सर्कुलर कर्व. ठीक है, तो जैसे ही हमारा ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होना शुरू होता है, ट्रांजिशन कर्व से ही हम थोड़ा थोड़ा सुपर एलिवेशन देना प्रोवाइड करते हैं. और जब तक वो सर्कुलर कर्व पे पहुंचता है, तो सर्कुलर कर्व तक हमारा IRC कोड कहता है कि सर्कुलर कर्व तक पूरा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाना चाहिए.
और सर्कुलर कर्व से लेके जब तक सर्कुलर कर्व खत्म नहीं हो जाता तब तक पूरा सुपर एलिवेशन रहेगा। फिर उसके बाद जब ट्रांजिशन कर्व, दूसरा ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होगा, तब हमारा जो सुपर एलिवेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर नॉर्मल जब तक स्ट्रेट रोड आ जाएगी तब वो सुपर एलिवेशन गायब हो जाएगा। अब आते हैं मेथड नंबर टू पे। मेथड नंबर टू कौन सा है? रोटेशन ऑफ पेवमेंट। ठीक है, यहां तक क्राउन की बात हो रही थी, अब बात होती है पेवमेंट की। मान लीजिए ये पेवमेंट है। अच्छा, इसमें भी दो मेथड होते हैं। द फर्स्ट वन इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर लाइन, रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन। ठीक है, रोटेशन अबाउट सेंटर लाइन में क्या कहता है? देखो, अब ये कोई भी रोड है, इसकी सेंटर लाइन ये है, तो ये कहता है रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन। मतलब पहले हमारी रोड ऐसे थी, नॉर्मली ऐसे है, फिर ये अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं, तो अगर हम इस साइड मूव कर रहे हैं, हमारी जो कार है वो इस साइड मूव कर रही है, तो क्या है, हम इधर सुपर ले, इधर हम रोड उठाने शुरू करेंगे। अगर इधर से उठाते हैं तो सेंटर के से पास होते हुए अगर हम उठा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे पहुंचे तो ये क्या है, ये डाउन चली जाएगी, ये कुछ इस पोजिशन में आ जाएगी, फिर ये कुछ इस पोजिशन में आ गई। ठीक है ना, अगर हमें ई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा कि ई बाय टू इधर, ई बाय टू इधर और ई बाय टू इधर। वेयरएज अगर इस केस में था, यहाँ पे हमने पूरा ई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया था और इधर भी हमने पूरा ई सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया था, लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे ई बाय टू इनर साइड और ई बाय टू ही आउटर साइड, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि अगर हम यहाँ से हम सॉइल निकालते हैं, यहाँ से एक्सकेवेट करते हैं अर्थ को, तो ये जो एक्सकेवेशन है ये हमारी यहाँ पे सॉइल काम आ जाएगी इस जगह को फिल करने के लिए। ठीक है, उठा बनाने के लिए यहाँ पे काम आ जाएगी। दूसरा रीजन क्या है, अब यहाँ से हम एक्सकेवेट कर रहे हैं तो क्या है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है हमारी। ग्राउंड लेवल तो हमारा ये है, रोड का लेवल ये है, अगर हम नीचे और कहते हैं गड्ढा करेंगे, सॉइल निकालेंगे यहाँ से, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर ड्रेनेज की प्रॉब्लम बढ़ गई तो हम इस टाइप के प्लान को हम हिली एरियाज में या हैवी रेनफॉल एरियाज में यूज नहीं कर सकते। इसे कहते हैं रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन। सेकेंड मेथड जो आता है वो आता है रोटेशन अबाउट इनर एज, रोटेशन अबाउट इनर एज। ठीक है, अब हमारी जो एज है, इनर एज ये वाली है और आउटर एज ये वाली है। ठीक है, इनर एज ये है, आउटर एज ये है। नॉर्मल रोड पहले हमारी ऐसे थी, उसके बाद क्या हुई, इनर एज रोटेशन अबाउट इनर एज, इनर एज ये रही, इसके अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, तो पहले रोड इतनी उठाई, फिर रोड इतनी उठाई, एंड फाइनली हमारी सुपर एलिवेशन जो हमें मिली वो इतनी मिली, ई सुपर एलिवेशन। ठीक है, अब इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है? देखो, इसमें क्या है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो हम ये हैवी रेनफॉल एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसका ड्रॉबैक ये है कि अब हमको यहाँ से रोड उठाना है तो हमें बाहर से मटेरियल लाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। तो हर मेथड के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो और ये मैंने आपको बताया कि सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड कैसे करते हैं, कि मान लीजिए ये स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड एंड देन ट्रांजिशन कर्व एंड देन सर्कुलर कर्व एंड देन ट्रांजिशन कर्व एंड देन स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो प्रोवाइड कैसे करते हैं? देखो, स्ट्रेट रोड तक तो स्ट्रेट रहेगा, कोई सुपर एलिवेशन नहीं होगी, लेकिन जब से ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होता है और सर्कुलर कर्व के बीच तक, हम सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर ग्राफिकल उसमें देखें तो जहां से हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे सुपर एलिवेशन, धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे और यहां तक सर्कुलर कर्व के स्टार्ट होने तक हम पूरा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे। सर्कुलर कर्व के स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सुपर एलिवेशन रहेगा, उसके बाद जब हम ट्रांजिशन कर्व में फिर ट्रांजिशन कर्व पे आएंगे तो यहाँ से सुपर एलिवेशन धीरे धीरे कम कम होता हुआ यहाँ पे बिल्कुल सुपर एलिवेशन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो मेथड है अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन के, एलिमिनेशन ऑफ ग्राउंड एंड देन रोटेशन ऑफ पेवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। एक चीज और, अगर यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रेट रोड थी और देन यहाँ से सर्कुलर कर्व स्टार्ट हुआ और देन स्ट्रेट रोड आ गई, कोई ट्रांजिशन कर्व नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, अब ट्रांजिशन कर्व नहीं है तो ग्रेजुअली तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा आईआरसी कोड क्या कहता है कि स्ट्रेट रोड, मतलब सर्कुलर रोड से पहले जो स्ट्रेट रोड है वहां तक हमारा जो है 2/3 ऑफ सुपर एलिवेशन
सॉरी 2/3 ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाना चाहिए यहाँ पे, और जब जब तक ये सर्कुलर कर्व स्टार्ट नहीं होता तब तक यहाँ पे 1/3 ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम तो होगा ही इसमें। फिर अगेन 1/3 ऑफ सुपर एलिवेशन यहाँ पे, और स्ट्रेट रोड, उसके बाद जो स्ट्रेट रोड है वहां पे 2/3 ऑफ सुपर एलिवेशन प्रोवाइड हो जाना चाहिए, अगर ट्रांसिट इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ऑलराइट, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल देखो, सुपर एलिवेशन की एक इक्वेशन थी, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, वेयर ई इज द सुपर एलिवेशन, एफ इज द फ्रिक्शनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह लीजिए, वी इज द वेलोसिटी, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर इज द रेडियस। अब यहां से अगर हम रेडियस निकालें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय जी ई प्लस एफ। अगर हमें चाहिए कि रेडियस जो हो वो मिनिमम हो तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यूज मैक्सिमम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यूज मैक्सिमम कब होती हैं, जब ई की वैल्यू 0.07 हो, हमने पिछले लेक्चर में किया था, और एफ की वैल्यू 0.15 हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर बाय 0.22 जी। दिस इज द इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑन द नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन, एज्यूमिंग द रोलिंग डिजाइन स्पीड एंड मैक्सिमम डिजाइन स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर। वी ले लेते हैं 100 km/h, मैं 100 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 80 के लिए आप बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये कह रहा है 100 km/h के लिए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या कहता है कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 0.22 जी। वी हमें पता है, देखो जी क्या होता है, मीटर पर सेकंड से स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वी की वैल्यू भी आप मीटर पर सेकंड में लेंगे ताकि जो हमारा आर आएगा वो मीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको कर दीजिए आप 100 डिवाइड बाय 3.6, ठीक है। 3.6 हमने इसलिए तो हम मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, 0.22 × 9.81, तो आंसर जो आएगा आर का वो आएगा 357.9 मीटर, ठीक है। ये नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आती है बात वाइडनिंग ऑफ पेमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। कई बार जब आपको पता होगा कि कई बार जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे होते हैं तो हमारे जो फ्रंट व्हील्स हैं वो रियर व्हील का पाथ फॉलो नहीं करते। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मान लीजिए हमारे ये रियर व्हील्स हैं, ठीक है, और ये जो है हमारे फ्रंट व्हील्स हैं, सॉरी ये जो है हमारे फ्रंट व्हील्स हैं, ठीक है। हम किसी कर्व पे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया आपका R1, रेडियस R1, और ये जो रेडियस हो गया आपको पता है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा R2, ये हो गया हमारा व्हील बेस, इसको कहते हैं हम L, देखो इसको कहते हैं व्हील बेस, इस यहां से लेके जो एक्सल है हमारा इसको कहते हैं व्हील बेस, इसको डिनोट करते हैं L से। अब हमें पता है कि ये जो देखो जो फ्रंट व्हील का पाथ है वो हो गया ये, और रियर व्हील का पाथ हो गया ये, समझ गए, यहां से ये रियर व्हील का पाथ हो गया, ये फ्रंट व्हील का पाथ हो गया। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे होते हैं तो हमारे जो रियर व्हील है वो फ्रंट व्हील का पाथ फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस की हमें जरूरत पड़ी इसको कहते हैं हम मैकेनिकल वाइडनिंग, मैकेनिकल वाइडनिंग, ठीक है, इसको डिनोट कर देंगे WM से। मैकेनिकल वाइडनिंग कब कब कहते हैं, ये जो फिनोमिनन है जब हमारे रियर व्हील फ्रंट व्हील को फॉलो नहीं करते, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग। इस पे गेट से क्वेश्चन आया हुआ था, इसको कहते हैं ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग अगर बात आ जाए तो आप समझ लेना मैकेनिकल वाइडनिंग की बात हो रही है। ये बात हुई मैकेनिकल वाइडनिंग की। वाइडनिंग बेसिकली टू टाइप की होती है, एक होती है मैकेनिकल वाइडनिंग, एक होती है साइकोलॉजिकल।
साइकोलॉजिकल कब प्रोवाइड करते हैं? साइकोलॉजिकल वाइडनिंग वो वाइडनिंग होती है जब हमारे ड्राइवर एक हॉरिजॉन्टल कर्व पे होता है, उसके साथ भी गाड़ी चल रही होती है, तो उसको पता होता है उसको मैक्सिमम स्पेस लेके चलना है ताकि वो उस वाली कार से कोलाइड ना कर सके। तो ये साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। बेशक गवर्नमेंट ने पूरी मैकेनिकल वाइडनिंग पूरी प्रॉपर दी हुई है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी में ये है कि अगर मैं कोलिजन मेरा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस बना के चलता है। उस एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हम साइकोलॉजिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ से डिराइव कर लेंगे R1, R2 और L से जो फॉर्मूले डिराइव होंगे वो डिराइव होंगे। मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला है WM, मैकेनिकल वाइडनिंग को डिनोट करते हैं WM से। WM इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 2R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, L इज द लेंथ ऑफ द व्हील बेस। ये है हमारा व्हील बेस L, ठीक है, और 2 कांस्टेंट। ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है PWPS, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम V/9.5√R। ठीक है, ये वैल्यूज मैं बता दूं आपको, L हमको पता है ये मीटर में होगा, R मीटर में होगा। अगर यहाँ पे N लेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो W फॉर N लेंस, WM विल बी NL स्क्वायर बाय 2R। देखो अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हीकल ड्राइवर इज नेगोशिएटिंग ऑन द ट्रैक, नेगोशिएटिंग ऑन द ट्रैक का मतलब है कि प्रोवाइडेड तो 2 लेन है या 3 लेन है, लेकिन नेगोशिएट कर रहा है इसका मतलब वो सिंगल लेन पे मूव कर रहा है। नेगोशिएटिंग का मतलब है वो सिंगल लेन पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू एन एल स्क्वायर बाय 2R। और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग है VPS, वेयर V इज इन KMPH, हमेशा ये KMPH में होगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कभी मत करना, ये हमेशा KMPH में हो गया, R होगा मीटर में। ठीक है, अगर हम सॉल्व करें तो टोटल वाइडनिंग क्या हुई, डब्ल्यू ई, ठीक है, वो होगी डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी एस, वेयर इट विल बी इक्वल टू एन एल स्क्वायर बाय 2R प्लस वी 9.5√R डब्ल्यू ई। दिस इज द इक्वेशन फॉर मैकेनिकल वाइडनिंग। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं फील्ड में, ऐसे ही इसमें होता है अटेनमेंट ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग इन फील्ड, मतलब इंट्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन द फील्ड, कि फील्ड में कैसे प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए ये भी कोई भी कोई भी कर्व है, ये देखो, तो यहां से ये स्ट्रेट रोड, अगेन ट्रांजिशन, सर्कुलर ट्रांजिशन एंड देन स्ट्रेट रोड। ठीक है, एस आर स्ट्रेट रोड, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व एंड देन स्ट्रेट रोड। मैकेनिकल वाइडनिंग जो IRC हमें कहता है कि कैसे प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे ट्रांजिशन कर्व हमारा स्टार्ट होता था, यहाँ से हमने मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करनी शुरू करी, और जब तक हमारा सर्कुलर कर्व स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हमारी मैकेनिकल वाइडनिंग पूरी हो जानी चाहिए, जो हमें डिजाइन मैकेनिकल वाइडनिंग हमने प्रोवाइड करानी है। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक ये पूरी रहेगी, जैसे ट्रांजिशन कर्व फिर स्टार्ट होगा उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगी, ये यहाँ पे फिर स्ट्रेट रोड की वाइड हो जाएगी। ठीक है, ये मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करने का तरीका है। अगर डब्ल्यू ई मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो डब्ल्यू ई बाय टू इधर और डब्ल्यू ई बाय टू इधर। लेकिन अगर कोई शार्प कर्व है, शार्प कर्व के केस में मान लीजिए कोई शार्प कर्व है, तो हमारी जितनी भी वाइडनिंग होती है वो हम इनर साइड पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी डब्ल्यू ई, टोटल मैकेनिकल वाइडनिंग हम इनर साइड पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जब वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए ट्रांजिशन कर्व नहीं है आपका, ठीक है, सिर्फ सर्कुलर कर्व है, स्ट्रेट रोड है और सर्कुलर कर्व आता है बीच में, तो IRC क्या कहती है, IRC कहती है कि सर्कुलर कर्व स्टार्ट होने से पहले हमारी 2/3 ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए स्ट्रेट रोड पे ही। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर कर्व जैसे स्टार्ट होता है तो 1/3 अटेन हो जानी चाहिए, 1/3 ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग एंड बीच में पूरी प्रॉपर फुल वाइडनिंग एंड देन 1/3 इधर, अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ट्रांजिशन कर्व TC। ठीक है, 1/3 इधर एंड अगेन 2/3 स्ट्रेट रोड पे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछले लास्ट ईयर गेट से आए हुए, गेट 2007, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ। ये क्वेश्चन कहता है द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर अ 2-लेन नेशनल हाईवे एट ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ 300 मीटर रेडियस कंसीडरिंग अ व्हील बेस ऑफ 8 मीटर एंड डिजाइन स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज।
ठीक है। अब क्या क्या गिवन है, टू लेन हाईवे मतलब जो एन की वैल्यू है वो टू गिवन है आपको, और रेडियस ऑफ कर्व गिवन है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 300 मीटर, ठीक है। व्हील बेस एल की वैल्यू गिवन है जो है 8 मीटर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द, और स्पीड भी गिवन है आपको 100। देखो मैकेनिकल वाइंडिंग के केस में स्पीड जो है के एम पी एच में ही रहेगी, मैंने आपको पहले अभी भी बताया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर टू लेन नेशनल हाईवे, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट डब्ल्यू ई, डब्ल्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यू एम मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग पी एस। मैकेनिकल वाइडनिंग इज एन एल स्क्वायर बाय 2 R प्लस डब्ल्यू पी एस इज वी बाय 9.5 अंडर रूट आर। ऑलराइट, अब वैल्यूज पुट करेंगे हम अगर इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 × 8 का स्क्वायर बाय 2 × 300 प्लस 100 डिवाइड बाय 9.5 अंडर रूट 300। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज आएंगी आपकी 0.213 प्लस 0.607, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.82 समथिंग मीटर डब्ल्यू ई। और ये जो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन सी, 0.42, 0.62, 0.82 एंड 0.92, 0.82 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है गेट से, ये कहता है कि द डिजाइन स्पीड ऑफ ए टू लेन रोड इज 80 km/h, वी गिवन है आपको 80 km/h। उसके बाद कहता है कि व्हेन डिजाइन व्हीकल विद व्हील बेस ऑफ 6.6 m, 6.6 m इज नेगोशिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन दैट रोड, द ऑफ ट्रैकिंग इज मेजर्ड एज 0.096। मैंने आपको बताया था कि नेगोशिएटिंग का मतलब क्या होता है, कि वो टू देखो हमें गिवन क्या है, टू लेन रोड गिवन है, लेकिन नेगोशिएटिंग का मतलब है ये सिंगल लेन पे चल रहा है, नेगोशिएट कर रहा है। उसके बाद नेगोशिएटिंग या हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन दैट रोड, द ऑफ ट्रैकिंग इज मेजर्ड एज, ऑफ ट्रैकिंग मतलब मैकेनिकल वाइडनिंग। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, जब ऑफ ट्रैकिंग मेजर्ड एज, ऑफ ट्रैकिंग इज मेजर्ड एज 0.096, ऑफ ट्रैकिंग इट मींस दैट डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 0.096, ऑफ ट्रैकिंग इज मेजर्ड एज 0.096, और नेगोशिएट कर रहा है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 0.096 इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 2 R, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 कभी भी मत पुट करना जब ये नेगोशिएट करता है तो, ठीक है। द रिक्वायर्ड वाइडनिंग ऑफ कैरिज वे फॉर द टू लेन रोड ऑन द कर्व इज अप्रोक्सीमेटली, यू हैव टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वाइडनिंग। आपको मैकेनिकल वाइडनिंग गिवन है, आपको साइकोलॉजिकल वाइडनिंग नहीं गिवन, तो डब्ल्यू ई की वैल्यू डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी एस होती है। अब डब्ल्यू पी एस के लिए आपको क्या चाहिए, वी डिवाइडेड बाय 9.5 अंडर रूट आर। यहाँ पे क्या है, आपके पास आर नहीं है, आर नहीं आपको गिवन, आर कहाँ से निकालोगे आप, आर आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो 0.096, एल की वैल्यू पता है हमें 6.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × r, यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 226.8 m, ठीक है, 226.8 m आ गई। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। डब्ल्यू पी एस देखो, जब उसने नेगोशिएट किया तब उसकी वैल्यू आई थी 0.096, लेकिन जब वो टू लेन रोड पे होगा तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हम देखते हैं। डब्ल्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू एम प्लस डब्ल्यू पी एस, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। डब्ल्यू एम की वैल्यू हमें पता है कि 0.096 है, लेकिन वो जब वो नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन जब एक्चुअल टू लेन पे आया तो क्या हो जाएगी, 2 × 0.096 प्लस डब्ल्यू पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी डिवाइड बाय 9.5 अंडर रूट 226.8, ठीक है। वी क्या है हमारे पास, इधर वी है हमारे पास 80 km/h, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.192 प्लस 0.559, सम अप करेंगे तो 0.7511 हो जाएगी। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 0.75, और इसमें ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमारे पास, 0.55, 0.65, 0.75, 0.85, तो 0.75 इज द करेक्ट आंसर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ट्रांजिशन कर्व्स।